पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार की सुबह एक ऐसी पहल हुई जिसका पिछले 50 साल से निर्यातकों को इंतजार था। तड़के सुबह सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के आशीर्वचनों से मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के भवन की आधारशिला रखी गई। दरअसल पिछले लगभग 50 वर्षों से मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को अपने भवन का इंतजार था। सभी एक्सपोर्टर्स अपने भवन की बाट देख रहे थे। कई कार्यकारिणी बनी और कार्यकाल समाप्त होने के बाद अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकाल को संभाल लिया, लेकिन नई कार्यकारिणी के बनते ही नवेदुर रहमान और अवधेश अग्रवाल एंड टीम ने निर्यातकों संग मिलकर नए भवन की आधारशिला रखी गई। शांति ही शाम अशांति रेधि यतो यथा समय से ततो नो अभ्यंग रूपम प्रजाभ्यो व्यंग्न पशुभ्यसु शांतिर भवतु। श्रीमन महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायण अभ्यंग नमो मां महेश्वर अभ्यंग नमः। सचिव पुरंदर देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्रामेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः। या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह संग बुनियाद रखी गई है। या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। या अल्लाह इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हासिदों के हसद से और जालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्य वसीले से कबूल फरमा। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई हुए साहब पातशाह जी जोर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाप दर्शन करदा ते अंतर खालसा जी बोले जी वाहिगुरु। पन्ना प्यारे चौवन साहब जादे चालियां मुक्तियां अखी जपियां पतियां जिन्हें नाम जपया वन छपया देख चढ़ाई ते गवाही देख के अंगठ कीता पन्ना प्यारियां सचारियां सिर गवाना संतान महापुरशां दी पवित्र कमाई दा ते अंतर खालसा जी बोले जी वाहिगुरु। परमेश्वर अपने कार्यालय अपने लोगों के लिए इस भवन का निर्माण कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी पैसे की ज़रूरत है प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और प्रभु अपने लोगों को तैयार करें ताकि इस भवन के लिए वो अधिक से अधिक दान दे सकें और शीघ्र ही इसका निर्माण हो सके। इस अवसर पर सभी निर्यातकों ने अपने अपने विचार रखे। विचार रखते हुए सभी ने कहा कि महासचिव अवधेश अग्रवाल और अध्यक्ष नवेदुर रहमान की टीम के अथक प्रयासों से ही ये सब संभव हो सका है। सभी ने अध्यक्ष नवेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल और नजमुल इस्लाम का आभार जताया। और हम इसके सारे अपने सपनों को और आगे लेके जाएंगे। अध्यक्ष भाई को विशेष तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना जी जान लगाकर इस काम को किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है अपने चारों धर्म गुरुओं को यहाँ पर बुलाकर एक मिसाइल काम कर दी कि हम सब एक हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ काम करते हैं और हम कहीं पर फर्क नहीं महसूस करते। ये एक मिसाल है। इसके लिए मैं लगन साहब, नवेदुर रहमान साहब हमारे प्रेसिडेंट और हमारे अवधेश जी सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा मानना है कि इस भवन के निर्माण के साथ साथ हम लोग सब साथ मिलकर ही काम करेंगे, जिससे हम लोग निर्यात के क्षेत्र में और आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं को मिलजुल के बैठ कर सुलझाते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमारा एक विचार था दिल से कि हम लोग ने जो अपना जितने भी हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन है और जितने भी हमारे वर्ग हैं एक ऐसा भवन का निर्माण मुरादाबाद शहर में करें और जिसमें सबका ही साथ हो और सबका ही में साथ में मिल करके। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ शहर में कि जिसमें किसी भी संस्था का कोई अपना भवन नहीं था। और आज ये बड़ा सराहनीय कदम है कि हम लोगों ने 50 साल बाद 1952 या 55 में ये एसोसिएशन बनी थी, इसने अपने भवन का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूँ कि सब तन धन से इसमें सहयोग करें। इसके लिए मैं 1,01,000 रुपए की धनराशि इस संस्था को मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा पहला नमन उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी। हम आगे बढ़े उसके लिए हमें रास्ता प्रदान करने वालों के लिए मैं नमन करना चाहूँगा। ये एसोसिएशन चलती रही। किशन लाल कत्याल जी आए, अजय गुप्ता जी आए, सतपाल जी आए, विजय जी आए, अब्बास जी आए, इन सब ने एक माध्यम बना के दिया
किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया ये एक अलग विषय है, कोई ज्यादा तेज कोई कम तेज, लेकिन जितने भी मेरे वरिष्ठ निर्यातक हैं मुझसे सब बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि आज उन्होंने आकर हमारा मान सम्मान जो बढ़ाया है वो उनके आने से है, हमारे कुछ करने से है। हमें किसी भी पिछली बात को याद नहीं करना है, बुरी बात को याद नहीं करना है, हमें अच्छी बात को याद करना है। मैं सचिव की हैसियत से ये वायदा करता हूँ कि ये भवन सिर्फ MHEA का नहीं है, जितनी भी हमारी एसोसिएशन है जब भी उनको जरूरत पड़ेगी ये भवन उनका भी है उनके लिए भी है, ऐसा मेरे अपनी तरफ से वायदा है। हमारा प्रयास ये है कि हम, नजम भाई ने कहा कि शायद दिवाली तक हम इस अकाउंटिंग ईयर में 100% आपको इस भवन में आपके बैठा लेंगे, ये मैं शपथ लेकर बयान करता हूँ। आज 8 का दिन है, अगर ईश्वर ने कोई ऐसी अनहोनी नहीं की, सबके जो भी सबके विचार हैं उनका आमंत्रण है, मेल द्वारा एसोसिएशन के मेल पे डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप साहब इसमें ऐसा कर सकते हैं, पैसे बचेंगे मैं वापस करूंगा सबको, चिंता मत करिए, जितने भवन में लेंगे मैंने किए हैं पहले पैसे वापस, कई लोग गवाह बैठे हैं, जब केरल में एक आपदा आई थी तो उसके लिए हमने 2,00,000 रुपए DM साहब को दिए थे और उसमें 50,000 के 22 चेक मेरे पास निर्यातकों के आए थे, उसमें से कुछ यहाँ गवाह बैठे हैं, मैंने वो 22 चेक वापस कर दिए थे। आपसे भवन के लिए पैसे लेंगे तो भवन में ही लेंगे, किसी के घर में या अपने विचारों में नहीं लेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। सभी ने बारी बारी से अपने विचार भी रखे। इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर विधि विधान से आधारशिला रखवाई। सभी ने अपने हाथों से ईंट लगाकर नए भवन की शुरुआत की। इस अवसर पर मुरादाबाद के निर्यातक मौजूद रहे। आज जो है वो हमारे यहाँ प्रोग्राम था मुरादाबाद एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जो नई बिल्डिंग है उसकी संग बुनियाद रखने का शिलान्यास का एक प्रोग्राम था और सारे बुजुर्ग जितने भी हमारे शहर के महान हस्तियाँ हैं उन सब लोगों ने आन के हमें दुआओं से और अपने आशीर्वाद से हमें नवाजा और हम ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह एक दिन ये बहुत जल्दी अपने कामयाबी को हासिल करेगी और बहुत जल्द इसको इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लिए स्वर्ण अवसर है कि उन्होंने अपने भवन की नींव अपने MHEA के समस्त कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के द्वारा रखी गई है। ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पास ना तो अपना कोई मकान था ना कोई ऑफिस था, कुछ नहीं था। इस भवन निर्माण के लिए हमने, हमारी कार्यकारिणी ने 11 माह के अंदर जो कार्य किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है और इसमें न केवल अध्यक्ष या महासचिव, ये पूरी टीम का कार्य है, लेकिन हमारे महासचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी द्वारा जो एक कार्य किया गया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है और इसके लिए महासचिव साहब बधाई के पात्र हैं और पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर आज सभी वर्गों के लोग एकत्रित थे, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, चारों ही तरफ से एक ईंट भवन के निर्माण के लिए एक ईंट रखी गई है। उसके लिए मैं सभी वरिष्ठ निर्यातक और यंग निर्यातक उनको हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अपने पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्य के लिए अपना समय दिया, धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक नई नींव रखी गई है और ये हमारे एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट के इतिहास में मुरादाबाद जिस चीज़ से गाफिल था, ऑफिस एसोसिएशन के किसी के भी नहीं थे, तो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन जैसे कि बहुत सबसे पहली है और ये काम एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने किया है और हम ये उम्मीद करेंगे कि यह मील का पत्थर साबित हो और आगे जो इसी प्रकार से जब हमारा बैठने की व्यवस्था होगी तो मीटिंग बगैर व्यवस्थित तरीके से होंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने निर्णय ले पाएंगे। आज एक ये सुनहरा मौका है और आज इस मौके की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि यहाँ पर तीनों ही धर्मों के धर्म गुरुओं ने इसकी शुरुआत करी है, चारों ही धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एकता की ये हार्दिक सौहार्द के साथ ये शुरुआत हुई है और हम इसकी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। अल्लाह करे कि ये दिन दुनी और राजस्थान में तरक्की करे। ये मुरादाबाद के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुरादाबाद जिस मुरादाबाद एसोसिएशन, मुरादाबाद एक्सपोर्ट ट्रेड के लोग जिस परेशानी के लिए
परेशान रहते थे कि वो जगह जगह होटल लेते थे, अपनी बात नहीं कर पाते थे। आज वो हमें एक स्थान, एक छत मिल गई है जो हम अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी, अपनी गतिविधियां एक बिल्डिंग में कर पाएंगे। ये बहुत ही मुरादाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। उनकी जितनी उतनी लगन और मेहनत आज सौ से हमारे नजम साहब और सेक्रेटरी अग्रवाल साहब और अध्यक्ष हमारे नावेदुर रहमान ने जिस मेहनत और लगन के साथ किया है वो वाकई में एक तारीफ के लायक काम किया है। मैं इस बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों को इस काम से और उम्मीद करता हूं कि ये बिल्डिंग बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और हम लोगों का ख्वाब एक पूरा हो जाएगा। ये आज स्वर्णिम दिन है और पिछले 50 सालों से हमारी एसोसिएशन कार्यरत थी, लेकिन ये शुभ अवसर आज प्राप्त हुआ। उसके लिए बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी जिनका सहयोग रहा, जिन्होंने जी भर के प्रयास किए और मात्र कुछ माह के अंदर जमीन को तलाशा, जमीन तैयार करी और हमसे वायदा किया कि इस साल के अंदर इसको कम समाप्त भी कर लिया जाएगा, ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। जो कार्य पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो हमारे युवा नेताओं ने, युवा पदाधिकारियों ने कुछ ही समय में करके दिखाया और मैं खुले दिल से कहना चाहूँगा वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल हैं। उनका करा हुआ कार्य सराहनीय है और ये एक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये बिल्डिंग और ये संस्थान सबको प्रगति उन्नति प्रदान करे।